बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भर्तरी बहाल। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाल करने के लिए आदेश दे दिए हैं। कल सुबह प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ज्वाइन करने के निर्देश है। प्रमुख वन संरक्षक के पद पर राजीव भर्तरी की बहाली हुई है। पद से हटाए जाने के बाद भर्तरी ने कैट और नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली थी। तो राजीव भर्तरी को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। कल सुबह प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ज्वाइन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाल करने के लिए यह आदेश दिए हैं। बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक हैं राजीव भर्तरी, जिन्हें एक बार फिर से बहाल कर दिया है और कल ही वो अपने पद पर एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। पद से हटाए जाने के बाद भर्तरी ने कैट और नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद फैसला सुनाते हुए उन्हें बहाल कर दिया। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने एक खड़े ट्रक में मारी टक्कर। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। दिल्ली से हरिद्वार की तरफ ये कार जा रही थी और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप एबीपी गंगा पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई। और चलिए विनीत, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या और जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आईसीसी स्टेशन मंगलौर में कल रविवार की सुबह जो है दिल्ली की तरफ से हरिद्वार जा रही थी कार, लेकिन तेज रफ्तार में कार थी कि अचानक मंगलौर में नेशनल हाईवे पर एक खड़े ट्रक में से टकरा गई है। जैसे ही ये कार डिवाइडर पर चली, उसके बाद ट्रक से टकरा गई, यानी इसमें करीबन 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की जो है इसमें मौत भी हो गई थी। लेकिन ये लगातार जो रुड़की से नारसन तक जो हादसे हो रहे हैं वो नहीं रुक पाने हैं। हाथ ही आपको बता दें कि अगले जो है 22 तारीख से चार धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, लेकिन हाईवे पर जो हादसे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी अलर्ट है। वहीं पुलिस का कहना है कि जरूर जो हाईवे पर हादसे हो रहे हैं, उन जो जो हाईवे पर जो अवैध कट बने हैं या इस तरह से जो बड़ा स्पोर्ट है, उनको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम से सीएम धामी ने चार धाम से लेकर जोशीमठ संकट पर चर्चा की, साथ ही पीएम को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। चार धाम यात्रा के आगाज को इस बार भव्य बनाने की तैयारी है, कोई कमी न रह जाए, धामी सरकार इस कोशिश में लगी है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चारधाम यात्रा से लेकर जोशीमठ संकट और पहाड़ के अन्य मुद्दों पर बात हुई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी दिया है, जिस पर पीएम ने सीएम को चारधाम आने का आश्वासन दिया। चारधाम में पीएम के आगमन के लिए सरकार कार्यक्रम तैयार कर रही है। आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी न्योता दिया गया। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। इतना ही नहीं, जोशीमठ आपदा पर भी सीएम ने पीएम मोदी से बात की। पुनर्वास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने पुनर्वास के लिए सहायता राशि का अनुरोध किया, साथ ही हरिद्वार से वाराणसी तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की। सोंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा, पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी, उसके लिए मैंने अनुरोध किया। चाहे साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं, तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से जरूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम से लेकर कई नेताओं से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट हुई। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। तो
दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं इससे पहले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। ओम बिरला से सीएम ने शिष्टाचार की भेंट की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं मुलाकात की, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की पुष्कर सिंह धामी ने, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ओम बिरला से भी मुलाकात की और प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें लेकर चर्चा की। और सुना भी आपने मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मुलाकात उनकी हुई है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की, जिसमें जोशीमठ में पुनर्वास को लेकर भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। चार धाम यात्रा को महज 19 दिन बाकी है। सरकार की तैयारियां भी तेज है और रजिस्ट्रेशन भी बंपर हो रहा है। अब तक चार धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। एक तरफ तो सरकार की तैयारी जोरों पर है, तो वही चार धाम आने वाले लोग बंपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चारधाम के लिए 21 फरवरी से पंजीकरण शुरू हुआ था और इसी दिन से लोग रजिस्ट्रेशन कराने में जुटे हैं। उम्मीद है कि इस बार चारधाम में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पंजीकरण करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 8,77,000 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए लोगों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम के लिए 3,19,329 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वही बद्रीनाथ धाम के लिए 2,65,887 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि गंगोत्री धाम के लिए 1,47,439 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वहीं यमुनोत्री के लिए यह आंकड़ा 1,44,095 पहुंच गया है। चार धाम यात्रा में इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यात्रा सीजन से पहले ही अब तक तकरीबन 10 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि यात्रा में अभी 20 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इन 20 दिन के अंदर भी ये माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराएंगे। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा सीजन से पहले ही तकरीबन 15 लाख के करीब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा देंगे। यात्रा सीजन जब शुरुआत होगा उस दौरान ये माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा हुई थी उसमें 40 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तीर्थयात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। यात्रा सीजन से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन बेमौसम बरसात ने यात्रा के तैयारियों में थोड़ी खलल जरूर डाल दी है। लेकिन अभी सरकार के पास यात्रा की तैयारियों के लिए 20 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सरकार सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे देगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो सरकार के सामने भी चुनौती बढ़ सकती है। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्णपाल लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बदहाल है। प्रशासन अभी तक सड़कों पर पड़े गड्ढे और सड़क मार्ग को, सुरक्षा दीवार को भी ठीक नहीं करा पाया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। उपजिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और एनएच के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते सड़क को ठीक नहीं किया गया तो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर उत्तरकाशी में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। शहर के हर कस्बे में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जोशियाड़ा वैराज झील में कूड़ा डाला जा रहा है और प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गंगा के नाम पर चल रही योजनाओं पर धब्बा लगाने का काम कर रही है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट हो गई है। बर्फबारी से चार धाम की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, और ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है और बर्फबारी से चार धाम की तैयारियों पर भी ब्रेक लग गया है। तो बार बार हो रही बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं चार धाम की, उसमें खलल पड़ रहा है। और आप देखिए पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है। तो देखिए पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, तो वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहां पुनर्निर्माण और चार धाम की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है।
वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और जो वहां कर्मचारी हैं वो लगातार इस बर्फबारी को बर्फ को हटाने में लगे हुए हैं ताकि जो मार्ग है उसे बनाया जाए। अब महज 19 दिन का वक्त बचा है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में, लेकिन उससे पहले जो बर्फबारी है वो मुसीबत बढ़ा सकती है। लगातार बर्फबारी हो रही है जिसके साथ साथ जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और इधर पिथौरागढ़ की बात की जाए तो पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, झमाझम बारिश हुई है और मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल उत्तराखंड में 4 अप्रैल तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है। पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश हुई। तो केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है और बर्फबारी की वजह से भले ही यात्रा की तैयारियां बाधित हुई हो मगर केदारपुरी की रौनक देखते ही बन गई। बाबा शिव का धाम केदारनाथ एक बार फिर बर्फ से ढक चुका है। केदारपुरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर के सामने का नजारा देखिए। यहाँ फिर से बर्फ जम गई है जबकि कुछ रोज पहले तक यहाँ जमी बर्फ पिघल चुकी थी। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग में जमी बर्फ को हटा दिया गया था मगर फिर से हुई बर्फबारी के बाद पैदल मार्ग पर बर्फ जम गई है जिसे हटाने का काम जारी है। यात्रा शुरू होने में समय कम रह गया है। अभी तक केदारनाथ धाम में ज्यादातर काम अधूरे पड़े हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए टेंट कॉलोनी बसाना है, खाने पीने की व्यवस्था करना, तमाम जरूरी काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। प्रशासन की कोशिश है कि 15 अप्रैल से पहले यात्रा मार्ग को आवाजाही के लायक बना दिया जाए मगर मौसम साथ नहीं दे रहा है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धाम के दूसरे चरण के पुनर्निर्माण के काम शुरू हुए थे मगर बर्फबारी की वजह से काम रुके हुए। ऐसे में सवाल ये है अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां तय वक्त पर कैसे पूरी होंगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिप्पू की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।